हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, यानी आप टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इंटरेस्ट की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, अपने किसी भी कस्टमर के लेजर में कैसे इंटरेस्ट की सेटिंग को करेंगे, कैसे इंटरेस्ट के पैरामीटर्स को सेट करेंगे और साथ ही में सीएल की एंट्री में कैसे इंटरेस्ट को एप्लीकेबल करेंगे। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स देंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड करेंगे कि आप टैली सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैसे इंटरेस्ट से रिलेटेड अपनी पूरी अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। यानी जब भी आप अपने किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करते हैं और अगर उसकी ड्यू डेट से ऊपर डेज निकल जाते हैं तो उस पर किस तरीके से ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और टैली सॉफ्टवेयर में कस्टमर के लेजर में कैसे इंटरेस्ट की पूरी सेटिंग्स को किया जाता है, कैसे इंटरेस्ट के पैरामीटर्स को सेट किया जाता है और कैसे ऑटोमेटिक ड्यू डेट के बाद जितने भी डे हो जाते हैं उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल देंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर में अपने इंटरेस्ट के फीचर को इनेबल कर लाते हैं। तो उसको इनेबल करने के लिए आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर लीजिए। F11 की प्रेस करते यहाँ पे हम कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और कंपनी फीचर्स में रहते हुए यहाँ से आप अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है A। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट वाले सेशन के अंदर आ जाइए और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसे यस करने के बाद इसके नीचे वाले ऑप्शन को भी यस कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है यूज एडवांस पैरामीटर्स। इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद सिंपल स्क्रीन को कंट्रोल से शट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने इंटरेस्ट के ऑप्शन को इनेबल करा चुके हैं। देन उसके बाद हमें अपनी इसकी जीएसटी की डिटेल को इनेबल करना होगा। तो जीएसटी की डिटेल्स को इनेबल करने के लिए गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए F11 की प्रेस कर दीजिए। दोबारा से हम कंपनी फीचर्स में जाएंगे और यहाँ से F3 की प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से यस कर दीजिए और सेकंड ऑप्शन सेट अल्टर जीएसटी टैली से भी यस कर दीजिए। और यहाँ पे आपकी जीएसटी डिटेल से रिलेटेड विंडो ओपन हो जाएगी और अपने जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने जितने भी रिलेवेंट फीचर्स थे उनको इनेबल कर चुके हैं, जीएसटी की डिटेल और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। आइए इसके बाद हम आपको एक लेजर के अंदर दिखाते हैं किस तरीके से इंटरेस्ट की सेटिंग को किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लेजर की अल्टरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। उसके लिए गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की A। देन यहाँ से लेजर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की L, और यहाँ से अल्टर में आ जाइए। तो यहाँ पे हम एक लेजर के ऊपर सेटिंग कर लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा GDP टेलीकॉम, यह हमारा सन्ड्री डेटर है, यानी यह हमारा कस्टमर है, और किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे यहाँ पे सेटिंग करेंगे, कैसे पैरामीटर सेट करेंगे हम आपको बताते हैं। सिंपल यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल डिटेल। जब तक आप इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तब तक आपको आगे के कुछ फीचर्स इनेबल नहीं होंगे। तो सिंपल इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन शो हो रहा है जिस पे लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ से इसे भी आप यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर्स की एक स्क्रीन आ गई और यहाँ पे अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी होगी। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, सिंपल यहाँ से इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन इसे नो रहने दीजिए। नो रहने के बाद यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को भी आप नो रहने दीजिए। इसका यूज़ हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि कैसे आपको ये ऑप्शंस आगे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इसको नो रखते हुए आगे बढ़ जाइए। देन यहाँ पे अब हमें अपने इंटरेस्ट के रेट वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो जो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का रेट है वो हम यहाँ पे रख देते हैं 5%, यानी यहाँ पे हमारा 5% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर हमारी पेमेंट को ड्यू होके काफ़ी डे हो जाएंगे, यानी पेमेंट हमारी लेट हो जाएगी, तो 5% का इंटरेस्ट लगेगा। किस तरीके से लगेगा वो इन्फॉर्मेशन हमें आगे देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिए। एंटर प्रेस करते यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट स्टाइल, यानी हम इसको 30 डेज मंथ लेना चाहते हैं, 365 डेज ईयर लेना चाहते हैं, या कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हम सिंपल कैलेंडर मंथ ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आप 3 डेज मंथ लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 30 डे पे ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे अगर आपका मंथ 29 डेज या 21 डे यानी 31 दिन का, तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे कैलेंडर मंथ को ले लेते हैं। कैलेंडर मंथ के अंदर हमारे 28 भी आ गए और यहाँ पे हमारे 29, 30, 31 भी आ गए। सिंपल यहाँ पे कैलेंडर मंथ ले लीजिए। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट बैलेंस, यानी ये आप अपने क्रेडिट बैलेंस पे करना चाहते हैं, डेबिट बैलेंस पे करना चाहते हैं, या ऑल बैलेंस के अंदर करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सन्डी डेटर्स पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस पाएगा, सन्डी डेटर्स पे कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस पाएगा। लेकिन कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम सेल और परचेज दोनों करते हैं, तो यहाँ पे आप ऑल बैलेंसेस को ले लीजिए। देन यहाँ पे एप्लीकेबल पे एप्लीकेबिलिटी के अंदर सिंपल हम यहाँ पे ऑलवेज ले लीजिए। अभी हम आपको ऑलवेज सेलेक्ट करके दिखाते हैं, उससे पहले यहाँ पे आप पोस्ट डेटेड ले लीजिए। तो इन दोनों ऑप्शंस के बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से ये दोनों वर्क करेंगे। तो सिंपल सबसे पहले हम ले लेते हैं पास्ट ड्यू डेट। तो सिंपल पास्ट ड्यू डेट को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑलवेज का भी हम इसी वीडियो में आपको आगे बताते हैं कि कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 30 डे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 30 डे डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने 30 डे क्यों डाला, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेबिलिटी है, यहाँ पे हमने सिंपल सेलेक्ट किया है पास्ट ड्यू डेट, उसके बाद हमने यहाँ पे 30 डे यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब ये हम इनको ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जब भी हम अपनी कोई सेल की एंट्री करते हैं, तो सेल की एंट्री करने के बाद 30 दिन का हम इनको ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, यानी 30 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा और 30 दिन के बाद जो भी हमारा 31वां दिन होगा तब से इंटरेस्ट लगना कैलकुलेट होगा। तो सिंपल यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेज डाल सकते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए 30 दिन ले रहे हैं। नेक्स्ट, आगे हमसे पूछ रहा है कैलकुलेशन फॉर्म, तो यहाँ पे हम सिंपल ले लेते हैं डेट ऑन एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पे सिंपल हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राउंडिंग मेथड हमारा पूछ रहा है, तो राउंडिंग मेथड हो गया हमारा नॉर्मल। उसके बाद जो इसकी लिमिट है, लिमिट को हम ले लेते हैं 1। सिंपल यहाँ पे हम 1 लिमिट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर सेट कर चुके हैं, सिंपल एक ही पैरामीटर हमारे एग्जाम्पल के लिए काफ़ी है। अगर इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो एक बार आप देख सकते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन को येस करना है, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ई ट्रांजेक्शन को नो करना है, यहाँ पे फॉर अमाउंट एडिड इसको भी नो करना है, फॉर अमाउंट डिडक्टेड इसको भी नो करना है। रेट हमारा 5% का है। यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन टाइप है हमारा मंथली है, उसके बाद यहाँ पे ऑल बैलेंस एप्लीकेबल होगा और जो हमारा एप्लीकेबल होगा ये होगा पास्ट ड्यू डेट। 30 डे का हम इनको ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, 31वें दिन से हमारा इंटरेस्ट लगना कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट फ्रॉम यहाँ पे डेट ऑन एप्लीकेबिलिटी के अंदर आएगा, देन यहाँ पे राउंडिंग मेथड हमारा नॉर्मल है और लिमिट इसकी 1 है। तो आई होप हम यहाँ पे समझ गए होंगे किस तरीके से पैरामीटर सेट किए गए हैं। सिंपल यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कराते हुए इस पूरी विंडो को यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। अपने यहाँ पे जो भी आपके कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ पे डाल दीजिए, उसका GST नंबर वगैरह, और उसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो आइए यहाँ पे हम आपको एक सेल की एंट्री करके दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं किस तरीके से ये इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा। तो सेल की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर्स मारिए शॉर्टकट की F8। देन यहाँ पे सेल की एंट्री करने के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 1 अप्रैल के अंदर हम ये एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले हम ले लेते हैं इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम यहाँ पे इस पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट के पैरामीटर्स को सेट किया है, DDP टेलीकॉम। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सेल लेजर सेल एट द रेट 18%, और यहाँ पे जो भी आइटम आप सेल करना चाहते हैं सिंपल उसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मोबाइल फोन को सेल करेंगे, इसके 5 पीस। सिंपल यहाँ पे हम डाल देते हैं 10,000। देन यहाँ पे इसका GST लगा देते हैं, CGST 9% एंड SGST 9%। तो हमारा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका इंटरेस्ट हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो इसके इंटरेस्ट को चेक करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट किया हमारी T। देन यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है S। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको 2 ऑप्शन होंगे, आउटस्टैंडिंग और दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर आ जाइए, शॉर्टकट की है I, और यहाँ से आप लेजर के अंदर आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है L। तो यहाँ पे आप लेजर के अंदर देखेंगे आपको सिर्फ एक ही लेजर शो रहा है, DDP टेलीकॉम, यानी हमने सिर्फ इसी लेजर के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को इनेबल किया था। अगर आप सारे लेजर्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन को इनेबल करेंगे और अपने पैरामीटर सेट करेंगे तो वो सारे भी आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन के रूप में शो जाएंगे। अभी हमने एग्जांपल के लिए सिर्फ एक ही लेजर के अंदर पैरामीटर सेट किए तो एक ही लेजर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक एंट्री शो हो गई। अब ये किस तरीके से हमारा एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पीरियड को चेंज कर लेते हैं और पीरियड के लिए हम यहाँ पे ओल्ड प्लस F2 की प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का हम यहाँ पे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 2 मई का रिकॉर्ड देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे इसको डिटेल में देखने के लिए अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्लस F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एंट्री हमारी यहाँ पे शो हो गई है। आप देखेंगे जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री हमने की थी 1 अप्रैल 2019 को, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ है वो हुआ है हमारा 2 मई 2019 से। 2 मई 2019 यानी हमारा एक दिन का इसके अंदर इंटरेस्ट बन रहा है, 5% का इंटरेस्ट हमारा बनता है 95 रुपीज़। और आप देखेंगे यहाँ पे 59,000 की हमारी वैल्यू हो गई और यहाँ पे 95 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो गया, एक दिन का हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट हो रहा है। इसको आप ध्यान से समझिए कि किस तरीके से हमारा कैलकुलेट हुआ है। आप देखेंगे जो हमने सेल की एंट्री की थी वो हमने की है 1 अप्रैल 2019 को, और जो हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ है वो हमारा स्टार्ट हुआ है 2 मई 2019 से, यानी यह हमारा सीधा एक महीने का इंटरेस्ट लगा है। अगर आप चाहते हैं सेम उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट लगे तो उसके लिए किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो वहाँ पे पीरियड को चेंज किया था उसके अंदर वहाँ पे हमने 30 डेज की ग्रेस पीरियड दिया था। इसका मतलब 30 दिन तक हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा है, 31वें दिन से हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 31वें दिन से हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। अप्रैल में हमारा पूरा कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, अप्रैल का महीना हमने ग्रेस दे दिया, और यहाँ पे जैसी हमारी 2 तारीख स्टार्ट हुई 2 मई, तब हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ और एक दिन का हमारा इंटरेस्ट 5% बनता है 95 रुपीज़। अगर आप चाहते हैं जिस दिन आप सेल की एंट्री करें सेम उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाए तो आप किस तरीके से करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम उस एंट्री को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम DTP टेलीकॉम के लेजर में आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, देन यहाँ पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में दोबारा से आ जाते हैं और यहाँ से जहाँ पे आपको दिख रहा है पास्ट ड्यू डेट सिंपल यहाँ पे कर दीजिए ऑलवेज करते हुए बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। वही एक बार हम फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जो हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ है वो सीधा हमारा 2 अप्रैल से लगना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया था वो हम हटा चुके हैं और सेम एक दिन छोड़ के हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 1 अप्रैल को हमने एंट्री की है लेकिन हमारा इंटरेस्ट लगना 2 अप्रैल से स्टार्ट क्यों हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो तो आइए हम ये भी कर सकते हैं। तो सिंपल से एंट्री दोबारा ओपन कर लीजिए, दोबारा से लेजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। और यस करने के बाद हमने यहाँ पे आपको इस ऑप्शन के बारे में बताया था कि इस वीडियो के आगे हम आपको इस ऑप्शन के बारे में बताएंगे, तो सिंपल जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अमाउंट एडिट यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। जैसे आप इसको यस करेंगे सेम उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए और दोबारा से हम देखते हैं, तो दोबारा से देखेंगे अब हमारा जो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ है वो हमारा 1 अप्रैल 2019 से इंटरेस्ट लगना हमारा स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 31 मार्च 2020 तक यानी जो हमारे जितना भी टाइम पीरियड है पूरा इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो आइए एक बार हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इस बार हम डाल देते हैं 1/5। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे जो डे बन रहे हैं वो 31 दिन बन रहे हैं, 31 दिन की हमारी लेट पेमेंट हो गई है, 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 3,045 रुपये हमारे एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको सारे ऑप्शन के बारे में दोबारा बता देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से दोबारा से हम इंटरेस्ट ऑप्शन को यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो सेम उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगर आप 1 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको नो करते हैं तो उसके एक दिन छोड़ के आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल को एंट्री किया तो 2 अप्रैल से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसे यस ही रहने देते हैं। देन उसके बाद जो हमारा मेन ऑप्शन है वहाँ पे हमने यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेबिलिटी है इसके अंदर हमने यहाँ पे ऑलवेज लिया था। अगर आप पास्ट ड्यू डेट लेते हैं तो यहाँ पे आप अपना एक टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं कि इतने दिन का हम ग्रेस पीरियड देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 15 दिन तक हमारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 15 दिन के बाद 16वें दिन से हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑलवेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं लगेगा, सेम अगले दिन से हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सेम इसी तरीके से शो रहा है। 1 अप्रैल को एंट्री की, 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया, कोई भी ग्रेस पीरियड हमने नहीं दिया, सेम अगले दिन से हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है और कस्टमर के लेजर के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट के पैरामीटर सेट किए जाते हैं।
और साथ ही में अगर आपको हमारी इस वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली का एक पूरा कोर्स लाए हैं। इस कोर्स का नाम है टैली ईआरपी 9 विद जीएसटी फुल कोर्स। यह 2020 का सबसे बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले टैली ईआरपी 9 के फुल कोर्स की बेसिक वीडियोस मिलेंगी, जो 80 वीडियोस है यानी 80 वीडियोस लेक्चर मिलेंगे। हर वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में बताया गया है कि टैली सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जीएसटी एप्लीकेबल की जाती है, जीएसटी के कितने फीचर्स होते हैं, टैक्स रेट होते हैं, यानी ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको 80 वीडियोस लेक्चर में कवर की जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको टैली ईआरपी 9 की एडवांस वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 30 वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें एडवांस टैली की नॉलेज दी जाएगी, बिल ऑफ मटेरियल की, बॉम की, पॉइंट ऑफ सेल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में दी जाएगी। जीएसटी से रिलेटेड कंप्लीट प्रेजेंटेशन यानी जितनी भी प्रेजेंटेशन है उनकी पीपीटी फाइल्स भी दी जाएंगी। देन उसके साथ जीएसटी रिलेटेड ऑल पीडीएफ फाइल्स, जिसके अंदर जीएसटी के टैक्स रेट्स होंगे, जीएसटी के ऑल स्कीम्स होंगी, एचएसएन कोड की लिस्ट होगी, एसएन कोड की सारी लिस्ट होगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। जीएसटी से रिलेटेड जो हमारे टैक्स इनवॉइस है उसके सैंपल प्रोवाइड किए जाएंगे जो हमारे वर्ड फॉर्मेट के अंदर होंगे, और ये भी आपको 7 से 8 टेम्पलेट पैम्फलेट मिलेंगे। साथ ही में जीएसटी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी की सारी फीचर आपको एक ही कोर्स के अंदर मिलेंगे। इस कोर्स का जो प्राइस है वो आपको 299 और 3 GB का हमारा कोर्स है। जैसे आप यहाँ से इसको बाय करेंगे, इसका बाय लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑटोमेटिक इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, इसका बिल इनवॉइस आपकी ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक सेंड कर दिया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को भी परचेज करना चाहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।